हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनाइट क्लासेस। तो आज हम क्या करेंगे, क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक स्टार्ट करेंगे। तो मैं इंडियन इकोनॉमिक के भी वीडियो बनाऊंगा, तो मैं सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक कवर करूंगा। क्यों? क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक थोड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और आपको थोड़े ग्राफ्स आएंगे, थोड़े सम्स भी आएंगे, और पहले एक दो चैप्टर में थियरी है। बाकी तो हम फर्स्ट चैप्टर जो नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेंट है उसमें हम सम्स करेंगे, वो 6 मार्क्स में वो सम आता ही है, तो हमको वो सबसे पहले सीखना है। इसलिए मैं पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म करूंगा, फिर थियरी पोर्शन पे जाऊंगा। इसलिए सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर वन। तो चैप्टर नंबर वन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें सबसे पहला क्या टॉपिक आता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, वो सब आपने 11th में पढ़ चुके हो। मतलब 11th में आपने पढ़ा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। तो वो मैं अभी रिवाइज नहीं करा रहा, मैं डायरेक्ट कौन से टॉपिक पे जा रहा हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड। ये आपके लिए नया टॉपिक है। आपने ये सब नाम सुना होगा, कंज्यूमर गुड्स, फाइनल गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, ये नाम सुना होगा, बट उसमें भी और क्लासिफिकेशन है। तो ये जो गुड्स का क्लासिफिकेशन है उसको हम क्या कहते हैं, टू वे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो वन बाय वन हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि ये सब गुड्स है उसमें क्या होता है, कौन से गुड्स कैसे होते हैं। तो वन बाय वन मैं अब टॉपिक कवर करूंगा। तो सबसे पहला क्या है, फाइनल गुड्स। तो पहले क्लासिफिकेशन हम देख लेंगे। तो टू वे क्लासिफिकेशन, इसे टू वे क्लासिफिकेशन क्यों कहते हैं कि गुड्स के दो क्लासिफिकेशन है और वो दो क्लासिफिकेशन में भी और दो क्लासिफिकेशन है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, टू वे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड। तो पहला दो क्लासिफिकेशन हुए और वो क्लासिफिकेशन में भी दो क्लासिफिकेशन है, मतलब दो अलग अलग ब्रांचेस आ रही है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, टू वे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो सबसे पहला क्या है, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। तो फाइनल गुड्स किसे कहते हैं, सबसे पहले हम वो देखेंगे फाइनल गुड्स किसे कहते हैं। तो फाइनल गुड्स का मतलब क्या है, रेडी टू यूज, मतलब रेडी टू यूज हो। जैसे कि फाइनल गुड्स मतलब मैं अभी ये मार्कर यूज कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए रेडी टू यूज गुड्स है। ये फोन मैं यूज कर रहा हूँ तो ये रेडी टू यूज मेरे पास गुड्स है, मतलब ऐसा गुड्स जो फाइनली कंज्यूमर यूज कर सकता है उसे हम क्या कहेंगे, फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स में भी दो क्लासिफिकेशन है, कौन से, फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। अब फाइनल गुड्स है, फॉर एग्जाम्पल फाइनल गुड्स है, तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स, तो ऐसा कोई गुड्स जो डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है उसके अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, फाइनल कंज्यूमर गुड्स। अब फॉर एग्जाम्पल मैं चॉकलेट लाया और मैंने खाई तो वो क्या हुआ, फाइनल कंज्यूमर गुड्स। ये मार्कर लाया मैंने यूज किया तो ये क्या हुआ, फाइनल कंज्यूमर गुड्स। अब फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है, तो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स मतलब जो प्रोड्यूसर यूज कर रहा है किसकी वजह से, वो फाइनली फाइनल गुड्स है। अभी फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा गुड्स है जो फाइनली प्रोड्यूस हो चुका है, रेडी टू यूज है, बट उसे प्रोड्यूसर यूज कर रहा है प्रोडक्शन के लिए, मतलब कोई चीज के प्रोडक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल फर्टिलाइजर और ट्रैक्टर कौन यूज करता है, फार्मर यूज करता है, किसकी वजह से, कि उसके ये दो की हेल्प से वो क्या कर सकता है, अपने फार्म में आउटपुट बढ़ा सकता है, ग्रेन का या तो राइस का जो भी उसने ग्रो किया क्रॉप, तो उसका आउटपुट बढ़ा सकता है। तो ये फर्टिलाइजर एंड ट्रैक्टर क्या है, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स है, किसके लिए, फार्मर के लिए, और उससे उसको क्या हेल्प होगी कि उसके प्रोडक्शन में एफिशिएंसी आएगी और ये प्रोडक्शन में ये दो गुड्स उसको हेल्प करेंगे। तो ये एक एग्जांपल था। अब सेकंड देखेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा, इंटरमीडिएट मतलब बीच में हो। तो ये जो फाइनल गुड्स होता है वो क्या होता है, उसने प्रोडक्शन की बाउंड्री क्रॉस कर दी होती है, मतलब समझो फॉर एग्जांपल ये मार्कर जहां पे प्रोड्यूस हुआ होगा वो जब वहां से वो प्रोडक्शन लाइन के बाहर मतलब फिनिश लाइन को क्रॉस करके निकलता है सेल के लिए, तो ये क्या हो जाता है, फाइनल गुड्स। बट अगर ये मार्कर अभी इंडस्ट्री में ही है और इसमें अभी इंक जो आती है, इंक की रिफिल वो डालना अभी बाकी है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स। तो क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिसमें कुछ वैल्यू ऐड करनी बाकी होती है और वो फाइनल यूज के लिए रेडी नहीं होते। फॉर एग्जांपल यही मार्कर अगर मैं डायरेक्टली यूज करूँ तो ये फाइनल गुड्स हो गया, बट ये मार्कर अभी प्रोडक्शन लाइन के अंदर है, मतलब प्रोडक्शन की बाउंड्री के अंदर, दिस गुड्स आर द विद इन द बाउंड्री ऑफ बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन के अंदर है, मतलब समझो कि सब प्रोडक्शन हो गया, अभी ये कैप लगाना बाकी रह गया, तो ये क्या, इसमें एक वैल्यू ऐड करना बाकी है, कौन सी वैल्यू ऐड, के इसके ऊपर की कैप लगानी है, तो कैप लगाएंगे तब ये फाइनल गुड्स रेडी होगा। तो अगर कुछ चीज बाकी है और सम वैल्यू ऐड, मतलब कोई ऐसी वैल्यू ऐड करनी है जिससे ये गुड्स फाइनली यूज के लिए रेडी हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स। तो
तो इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच इन विच सम वैल्यू इज टू बी एडेड। और सेकेंड क्या पॉइंट लिखोगे आप, इन दिस गुड्स डज नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन के अंदर है। और क्या है, नॉट रेडी टू यूज फॉर, नॉट रेडी फॉर द फाइनल यूज, मतलब फाइनल यूज के लिए अभी रेडी नहीं हुए, तो ऐसे गुड्स को हम क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स। अब हम देखेंगे सेकेंड क्लासिफिकेशन। तो सेकेंड क्लासिफिकेशन में क्या है, कंजम्पशन गुड्स को हम बोलते हैं, कंज्यूमर गुड्स भी बोल सकते हैं। और सेकेंड है कैपिटल गुड्स। तो कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, तो कंजम्पशन गुड्स किसे कहेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा है, दिस गुड्स आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय अ कंज्यूमर फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट। मतलब कोई भी ऐसा गुड्स जो डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है अपने खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए, तो हम उसे क्या कहेंगे, कंज्यूमर गुड्स। तो क्या कहेंगे, कंज्यूमर गुड्स। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या था, फाइनल गुड्स था जो चॉकलेट, वो अगर डायरेक्टली कंज्यूमर अपने कंजम्पशन के लिए यूज कर रहा है तो वो कंज्यूमर गुड्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब कंज्यूमर गुड्स का आपको मतलब तो पता चल गया होगा, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे आपने फोन यूज किया, मतलब आपके पास कोई भी ऐसा कंज्यूमर गुड्स आपने यूज किया। अब कंज्यूमर गुड्स में चार कैटेगरी है, मतलब फोर कैटेगरीज में वो डिवाइड है, तो आपको भी ये कैटेगरीज पता ही होगी बट आपने कभी सोचा नहीं होगा इसके बारे में, तो कौन सी कैटेगरी है, तो चार कैटेगरी में डिवाइड है। तो आप जो गुड्स प्रोड्यूस करते हो तो उसमें डे टू डे लाइफ में आप ये सभी गुड्स आप कंज्यूम कर रहे हो, तो ये सभी गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे होंगे, बट आपने उसको कभी क्लासीफाई नहीं किया होगा, क्योंकि आप कंज्यूमर तो हो ही, तो आप गुड्स तो कंज्यूम कर ही रहे होंगे। तो उसको क्लासीफाई चार वे में होता है, कौन कौन से वे में, तो वो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहला ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स मतलब जो एक साल से ज्यादा के लिए कंज्यूम करने में आता हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने फोन लिया और आपने वो फोन नॉर्मली आप मंथली चेंज नहीं करते, आप एक दो साल तक यूज कर, दो तीन साल तक आप यूज करोगे वही फोन, तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए, ड्यूरेबल गुड्स। मतलब एक साल से ज्यादा के लिए आप यूज कर रहे हो तो उसको कहेंगे ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। अब फॉर एग्जाम्पल टीवी आपके घर में कितने सालों से होगा, आप जो बाइक आपके घर में होगा तो वो मोटरसाइकिल है तो आपके घर में कितने सालों से, मतलब एक साल से लाए तो आप थोड़ी एक महीने दो महीने या तो एक साल के अंदर बेच दोगे, नहीं, आप यूज करोगे कंटिन्यूसली सालों साल, तो इसलिए इसको कहेंगे ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। तो ये गुड्स की क्या होती है, लाइफ टाइम बहुत लंबी होती है। सेकंड, सेमी ड्यूरेबल अब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। तो सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स में क्या होता है, ये गुड्स नॉर्मली एक साल या एक साल से थोड़ा ज्यादा आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में जो कांच के बर्तन होते हैं, वो क्रॉकरी आप जिसे बोलते हो, तो कांच के बर्तन नॉर्मली बहुत सालों साल तक नहीं चलते, कुछ एक साल या तो उससे थोड़ा ज्यादा वो चलेंगे। या तो आप कोई कपड़े लाए हो, तो आप अभी 1 जनवरी में कपड़े लाए तो वो ऐसा जरूरी नहीं कि सेकेंड ईयर की दिसंबर तक चले, नहीं, क्योंकि एक साल या तो एक साल से थोड़ा ज्यादा ही आप वो क्लोथ को यूज करोगे। और कोई एक और एग्जाम्पल ले लेके, आप ऐसी कोई पर्टिकुलर आप समझो कि आपने टेक्स्ट बुक्स खरीदी, जो टेक्स्ट बुक्स आपने ये ईयर के लिए खरीदी तो आप ये ईयर के लिए यूज करोगे, अगले साल के लिए आपके लिए वो कोई वर्थ नहीं रखेगी, तो क्या हो जाएगा, उसको आप कहोगे सेमी ड्यूरेबल गुड्स। अब थर्ड है सिंगल यूज और नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। अब सिंगल यूज एंड नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, तो ये ऐसे गुड्स है जिसमें क्या होता है कि जिसे आपको ऑन द स्पॉट यूज करना, मतलब आज प्रोडक्शन हुआ, मतलब जो प्रोडक्शन हुआ था आपको एक ही बार में आप यूज कर दोगे, फॉर एग्जाम्पल आप अमूल की मिल्क का पैकेट लाए, तो आप उसे थोड़ी 4-5 दिन तक रखोगे, नहीं, आप उसको एक ही दिन में या तो दो दिन, मतलब एक दिन या तो 1.5 डे में आप उसको यूज कर लोगे, उस पर एक्सपायरी डेट भी 1.5 डे के इससे ज्यादा नहीं होती, तो आप आज लाए तो उसे कल तक तो यूज कर ही लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मिल्क लाए तो मैंने उसका एग्जाम्पल दिया, एग लाए तो थोड़ी एग आप आज बनाओगे थोड़ा और थोड़ा कल बनाओगे, ऐसा नहीं होगा, आप एक ही बार में सिंगल यूज में उसको पूरा कंज्यूम कर लोगे, इसलिए उसे क्या कहते हैं सिंगल यूज और नॉन ड्यूरेबल, मतलब इसका कोई ड्यूरेशन नहीं होता, उसको सिंगल यूज में ही हम कंज्यूम कर ले रहे हैं, तो नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। अब लास्ट में ये गुड्स नहीं है बट क्या है, ये नॉन मटेरियल गुड्स है जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम टच नहीं कर सकते बट वी कैन फील इट। तो ये कैसा गुड्स है, सर्विस। तो आप सर्विस, फॉर एग्जाम्पल आपको स्कूल से, सॉरी आपको जो ऑनलाइन क्लासेस अभी पढ़ा रहे, तो ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए क्या है, सर्विस है, इसे आप टच नहीं कर सकते, इसे आप फील कर सकते हो कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, तो मतलब टीचर आपको ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा रहे तो वो आपके लिए क्या होगी, सर्विस होगी। डॉक्टर्स आपको ट्रीटमेंट दे रहा है तो वो आपके लिए क्या होगी, सर्विस होगी।
फॉर एग्जाम्पल ऑटो ड्राइवर आपको कहीं से मतलब वन प्लेस टू अनदर तक पहुंचा रहा है तो क्या होगी आपके लिए सर्विस होगी। अब सेकेंड, अब लास्ट टॉपिक क्या है, कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल कंज्यूमर गुड्स मतलब कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, तो कैपिटल गुड्स कौन से है, दिस गुड्स आर द फिक्स सॉरी फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, मतलब दिस गुड्स आर फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, मतलब ये जो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स थे वही इसमें इन्वॉल्व होंगे, और एंड आर द फिक्स असेट ऑफ द प्रोड्यूसर, मतलब फिक्स असेट ऑफ अ प्रोड्यूसर, मतलब प्रोड्यूसर की फिक्स असेट भी होगी। तो फॉर एग्जाम्पल क्या होगा इसमें, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर है, और फर्नीचर है फॉर एग्जाम्पल मशीन है, प्लांट है, ये सब क्या है फाइनल प्रोड्यूसर, सॉरी दिस आर द कैपिटल गुड्स। अब यहाँ पे ये सब खत्म करने के बाद एक लास्ट टॉपिक आता है, मतलब ये थोड़ा ट्विस्टेड टॉपिक है तो आपको एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टू वे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो टू वे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में क्या होगा, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, फिर आएगा कंज्यूमर गुड्स, और उसमें आएगा लास्ट में कौन सा, कैपिटल गुड्स। तो ये सब गुड्स है। अब लास्ट में ये पॉइंट्स ये क्वेश्चन में कभी कभी आता है, तो आपको इससे अगर क्वेश्चन आए तो आप क्या करोगे, तो ऑल द कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, मतलब इसमें ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जो भी कैपिटल गुड्स होंगे वो सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स होंगे, बट ऑल द प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट अ कैपिटल गुड्स, ऑल द प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट अ कैपिटल गुड्स। मतलब फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग मशीन, तो स्विमिंग मशीन अगर इंडस्ट्री में यूज हो रही है तो ये क्या है, स्विमिंग मशीन क्या है कैपिटल गुड्स, सॉरी स्विमिंग मशीन क्या है कैपिटल गुड्स है, सॉरी प्रोड्यूसर गुड्स है। तो प्रोड्यूसर गुड्स कहाँ यूज हो, अगर वो यूज कर रहा है डायरेक्ट प्रोड्यूसर गुड्स, अगर प्रोड्यूसर डायरेक्ट कंज्यूम कर सकता है उसे, तो ऑल द कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। मतलब अगर स्विमिंग मशीन कोई इंडस्ट्री में हो जो टेलर के शॉप पे हो, तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए असेट हो जाएगा, उससे वो प्रोडक्शन करेगा। अगर वही स्विमिंग मशीन अगर आपके हाउस होल्ड में हो, मतलब आपके घर में हो, आपके घर में कोई यूज कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो कंज्यूमर गुड्स हो जाएगा। मतलब ऑल द प्रोड्यूस, सॉरी, तो उसका मतलब क्या हो, ऑल द कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, मतलब सबके सब कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स है, मतलब सबके सब कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स में जो जो भी गुड्स होंगे वो सभी प्रोड्यूसर गुड्स होंगे, बट सबके सब प्रोड्यूसर गुड्स क्या कैपिटल गुड्स नहीं होंगे, तो यही कहना चाह रहे थे। तो ये लास्ट टॉपिक था, तो आपको ये वाला थोड़ा अच्छे से एलोब्रेट करके लिखना है क्योंकि ये नॉर्मली पूछते हैं। तो ये वाले हमने वीडियो में क्या किया के क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स समझा, और अगले वीडियो में हम समझेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के दूसरे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स।